हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो हम सभी सजीव किस चीज से मिलकर बने हैं? कोशिका यानी कि सेल। तो आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर सेल यानी कि यूनिट ऑफ लाइफ हिंदी में बात करें तो कोशिका जीवन की इकाई को कवर करने वाले हैं। यह चैप्टर मैं दो पार्ट में कंप्लीट करूंगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। आज हम लोग पार्ट 1 देखने वाले हैं। इसमें आप लोगों को बेसिक सा कॉन्सेप्ट बताया जाएगा और पार्ट 2 में हम लोग इसी के अंदर का जो यहाँ पर सेल ऑर्गेनेल है यानी कि कोशिकांग है उसके बारे में डिटेल से जानेंगे। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो चैप्टर है सेल आपको आगे भी देखने को मिलेगा, क्लास 9th में देखने को मिलेगा और इसी से रिलेटेड आपको क्लास 10th में भी देखने को मिलेगा। तो ये बेसिक सा है इसलिए इसको अच्छी तरीके से समझिएगा। कहीं पर दिक्कत होता है, कहीं पर नहीं समझ में आता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं क्योंकि मेरा मेन मोटो यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप एग्जाम में मार्क्स ला सके और आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर जो भी नोट मैंने बनाया है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट करते चलिएगा और एग्जाम के दृष्टिकोण से भी इम्पोर्टेंट है और आपका कॉन्सेप्ट भी इससे काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पर दीवार है, ठीक है। दीवार वॉल किस चीज़ से बना है? अगर हम लोग इसका यूनिट का बात करें तो इसका यूनिट क्या है? इसका यूनिट है एक ब्रिक, एक ईंट। एक ईंट, छोटा छोटा ईंट जोड़ जोड़ कर पूरा एक दीवार बन जाता है और इसी दीवार को हम लोग दो तीन दीवार बनाएंगे तो एक घर बन जाएगा और मतलब एक रूम बन जाएगा, उसके बाद कई सारा रूम मिलकर एक महल और एक बड़ा सा बिल्डिंग बन जाता है। अगर कोई घर का यूनिट का बात करें हम लोग छोटा इकाई तो हम लोग ईंट को मान सकते हैं घर का एक छोटा सा इकाई। उसी प्रकार यहाँ पर ये प्याज का छिलका है, ओके, प्याज का ये छिलका है। प्याज का छिलका देखिए किस चीज से मिलकर बना है? छोटा 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 ईंट के जैसा कुछ स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। तो ये जो ईंट के जैसा दिखाई दे रहा है ये कुछ नहीं है, ये है सेल यानी कि कोशिका। कोशिका और यहाँ पर जो छोटा छोटा आपको रिंग जैसा दिख रहा है, डॉट डॉट दिख रहा है, ये कोशिका के अंदर केंद्रक है, ओके, न्यूक्लियस है। तो इसी को हम लोग अच्छी तरीके से अभी कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये प्याज का ओरिजिनल आपका डायग्राम है यानी कि फोटो है। देखिए जैसे ईंट से एक एक ईंट जोड़ जोड़ कर घर बनता है, एक एक पैसा जमा कर के अरबों खरबों पैसा जमा हो जाता है, उसी प्रकार एक छोटा छोटा ईंट को जोड़ जोड़ कर एक पूरा दीवार बन जाता है। ये एक कोशिका है, दिखने में आपको बड़ा दिख रहा होगा लेकिन आप इसे खुले आंखों से देखेंगे तो देख भी नहीं पाइएगा, इतना छोटा होता है, ठीक है। कुछ कोशिका है जिसे हम लोग खुले आंखों से देख सकते हैं वो भी आपको पता चलेगा और एग्जाम में भी पूछा जाता है सबसे छोटी कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका, इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊंगा आगे। तो ये एक छोटा सा आपको सेल दिख रहा है, ये कोशिका है, ठीक है। मैं कुछ टर्म इंग्लिश में भी यूज करूंगा और हिंदी में भी करूंगा, आप लोग ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। कुछ नहीं समझ में आएगा तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा और जो कमेंट पढ़िएगा वे भी, अगर मैं किसी का रिप्लाई ना दे पाऊँ तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं अगर किसी का आंसर मैं नहीं दिया हूँ कमेंट में तो, ठीक है। हम सभी मिलकर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ये सेल है यानी कि कोशिका है और यहाँ पर जो दिख रहा है आपको ये केंद्रक है और इधर आपका बहुत सारा सेल ऑर्गेनेल रहता है यानी कि कोशिकांग रहता है, कोशिका का अंग, बहुत सारा अरबों खरबों मिलियन ट्रिलियन बिलियन बहुत सारा सेल मिलकर एक ऑर्गेनिज्म बनाता है, मतलब एक जीव बनाता है, एक सजीव बनाता है, ओके। अब आगे देखते हैं हम लोग कोशिका की खोज। यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, आप ये तो कम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, कहीं पर इंटरव्यू में जाइएगा आप बोलिएगा मैं बायोलॉजी पढ़ा हूँ या मैं क्लास 10 तक पढ़ा हूँ तो भी आपको ये सब पूछा जाएगा। देखिए कोशिका का जो खोज है काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ठीक है। एक साइंटिस्ट है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इनका नाम है रॉबर्ट हुक, ठीक है, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका को देखा, कहाँ पर देखा? एक लकड़ी के, हम लोग जो नागपुरी में बोलते हैं झारखंड बोलते हैं, पेड़ का जो छाल होता है, ठीक है, या छाल तो हिंदी वर्ड हो गया, इसको नागपुरी में बकला कहते हैं, बकला, ठीक है, यानी कि कोर्क में, इसको इंग्लिश में कोर्क बोलेंगे, ट्री का, पेड़ का एक छाल में सबसे पहले कोशिका को देखा, ठीक है। देखिए इसका क्या नाम है याद रखिएगा, रॉबर्ट हुक। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक। कब की? 1665 ईस्वी में,
ठीक है, अगर रियल लाइफ का बात करें 1665 ईस्वी में, तो उस वक्त पर हमारे देश में छत्रपति शिवाजी का राज था, ठीक है, छत्रपति शिवाजी। और 1665 1665 ईस्वी में उन्हें औरंगजेब जो था वो बंदी बना लिया था एक बार, और 1665 में भी वो बंदी से भाग गया था, ठीक है, 9 महीने जिसे रहा था और भाग गया था, भाग गया था मीन्स चुपके से लड्डू की टोकरी में छुपकर या फूलों की टोकरी में छुपकर वो बाहर आ गया था जेल से। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है वो भी, बट वो किसी और टॉपिक का है। यहाँ पर देखिए, रॉबर्ट हुक एक अंग्रेज वैज्ञानिक था, आपका एग्जाम में इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रॉबर्ट हुक कहाँ का वैज्ञानिक था, जर्मनी वैज्ञानिक था, अंग्रेज वैज्ञानिक था, या ब्रिटिश तो चलिए अंग्रेज ही हो गया, और हो सकता है जर्मनी का था, कहाँ का था, ये मतलब पॉसिबिलिटी है, पूछा जाएगा, तो इसलिए याद रखिएगा, रॉबर्ट हुक अंग्रेज वैज्ञानिक था। रॉबर्ट हुक ने पतली कोर्क की परत में मृत कोशिका भित्ति का अध्ययन किया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, हम लोग कहते हैं और सच्चाई भी है कि रॉबर्ट हुक पहला कोशिका को देखा था, मृत कोशिका था, वो मरा हुआ था, पेड़ का जो छाल में कोशिका रहेगा वो मरा हुआ रहेगा, वो कोशिका भित्ति का अध्ययन किया था, कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल का डब्बा डब्बा जैसे दिखा और उसी को वह कोशिका बोल दिया, ठीक है। देखिए, कोर्क पेड़ की छाल का एक भाग है, नीचे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, आप लोग देखिए होंगे छाल। उन्होंने कोर्क की पतली स्लाइसे ली, स्लाइसे नहीं कि टुकड़ा, ठीक है, एक पेड़ का आप छाल लीजिएगा उसको बिल्कुल प्लेन काटिएगा इस कागज के जैसे, तो उसी को स्लाइस बोल रहे हैं, ठीक है, स्लाइस ली और उन्हें माइक्रोस्कोप के नीचे देखा। अब सोचिए 1665 ईस्वी में माइक्रोस्कोप कैसा होता होगा, ये जो आदमी है रॉबर्ट हुक, ये खुद बनाया माइक्रोस्कोप और खुद देखा, और ये अजीब सी बात है कि उस वक्त पर इंटरनेट नहीं था, ठीक है, और लोग ज़्यादा कनेक्टेड नहीं थे, पूरा दुनिया कनेक्टेड नहीं था एक दूसरे से, तो लगभग 100-150 साल के बाद लोगों को पता चला कि हाँ रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका देख लिया और अपना जो बुक रहता है उसमें लिख दिया था ये आदमी, ठीक है। हाँ, आगे देखते हैं हम लोग, अब ये रहा देखिए पेड़ है, अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये छाल है, ठीक है, बाहरी छाल इसी तरीके से दिखता है, तो इसी छाल को रॉबर्ट हुक लिया, पतला पतला स्लाइस काट लिया और माइक्रोस्कोप में देखा। अब देखने के बाद कैसा दिखा वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, पहले इस तरीके से दिखा, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर ज़्यादा क्लियर नहीं है बट जब वो देखा होगा तो पूरा क्लियर दिखा होगा। देखिए ये माइक्रोस्कोप है, रॉबर्ट हुक का माइक्रोस्कोप ये है, आप लोग देख रहे हैं, यहाँ से देखा जाता है, यहाँ से आँख लगाओ नीचे देखो, और यहाँ पर जो पेड़ का ट्री का कोर्क था वो यहाँ पर रखा गया था नीचे, और इधर लैंप वगैरह है यहाँ पर लाइट के लिए, फोकस के लिए, ठीक है, कैंडल वगैरह है। यहाँ से देखा, यहाँ पर छोटा सा बिल्कुल स्लाइस रखा हुआ था, तो देखा तो अरे ये तो मधुमक्खी का छत्ता जैसे दिख रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, मधुमक्खी का छत्ता भी यहाँ पर आ चुका है कुछ इस तरीके से। देखिए जब वो कोर्क को देखा तो बिल्कुल इसी तरीके से देखा, तो शॉक्ड हो गया, अरे भाई ये क्या मैंने देख दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो ये है आपका, देखिए ये तो मधुमक्खी का छत्ता है बट इसको अगर हम लोग सेल मान ले तो ये है कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, और रॉबर्ट हुक को ये कोशिका भित्ति ही दिखा था, ठीक है, इसके अंदर क्या है क्या नहीं वो कुछ नहीं दिखा था, कोशिका भित्ति देखा, ये कैसा दिख रहा है, कमरे के जैसे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसीलिए उसने ये जो आकृति है इसको सेल का नाम दे दिया, सेल मतलब छोटा कमरा होता है, ओके, इस तरीके से दिखाई दिया था उसको। अब देखिए, उन्हें कोर्क की पतली परत में मधुमक्खी के छत्ते जैसा बहुत से छोटे छोटे कोष्ठक यानी कि कमरा दिखाई दिया, जैसे यहां पर दिख रहा है एग्जैक्ट, अभी भी आप देखिएगा तो इसी तरीके से सेल दिखाई देता है, और खासकर चिक यानी कि गाल का सेल तो बिल्कुल इसी तरीके से दिखाई देगा आपको, ओरिजिनल देखिएगा तो भी। देखिए उन्होंने यह भी देखा कि एक कोष्ठ यानी कि एक कमरा, ये एक कमरा है, एक कमरा है, एक कोष्ठ दूसरे कोष्ठ से एक दीवार द्वारा अलग है। हुक ने प्रत्येक कोष्ठक का नाम कोशिका यानी कि सेल दिया। अब समझिए, ये सेल वॉल है, कोशिका भित्ति है, बोला जा रहा है दीवार से अलग है, ये एक सेल है
और ये सेल यहाँ पर इस दीवार से ये वाला सेल से अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इस तरीके से कमरा दिखाई दे रहा है, इस तरीके से आकृति दिखाई दे रहा है, इसी को रॉबर्ट हुक ने सेल कहा। सेल मतलब कमरा, ये कैसा दिख रहा है, कमरे कैसे दिख रहा है। आगे देखिए, रॉबर्ट हुक ने साधारण आवर्धक उपकरण के नीचे 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा जा चुका है कि कोशिका की खोज कब हुई 1665 ईस्वी में। और मैंने आप लोगों को याद करने के लिए ये भी बताया कि इस वक्त पर औरंगजेब जो था वो छत्रपति शिवाजी महाराज को बंदी बना लिया था, और छत्रपति शिवाजी महाराज लड्डू की टोकरी या फूलों की टोकरी में छुपकर बाहर आ गए थे, और औरंगजेब सोचते रह गया था कि क्या हो गया, कैसे हो गया, ठीक है। हाँ, उसी वक्त का ये कहानी है। इधर हम लोग युद्ध लड़ रहे थे, इधर स्वराज का गठन हो रहा था, और उधर ब्रिटिश में इंग्लैंड में कोशिका की खोज हो रही थी एक साथ। देखिए आगे, कोशिका को अंग्रेजी में सेल कहते हैं, ये तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि कोशिका को अंग्रेजी में सेल कहते हैं। लैटिन भाषा के शब्द सेलुला से लिया गया, जिसका अर्थ एक छोटा कमरा होता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सेल को किस भाषा से लिया गया है, लैटिन भाषा से लिया गया है, ठीक है। सेल शब्द लैटिन भाषा के सेलुला, सेलुला का मतलब होता है एक छोटा सा कमरा। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेलुला का मतलब क्या होता है, और खासकर ये जो भाषा है ये तो पूछा जाता है किस भाषा से लिया गया है। तो लैटिन भाषा याद रखिएगा आप लोग, कब हुआ था खोज 1665 ईस्वी में, किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था, किस पर किया ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो पेड़ के कॉर्क पर, यानी कि ट्री के कॉर्क पर। और मृत कोशिका देखा या जीवित कोशिका देखा, तो रॉबर्ट हुक मरा हुआ कोशिका देखा, पेड़ में छाल में मरा हुआ ही मिलेगा, तो मरा हुआ कोशिका देखा। अब आगे देखते हैं जीवित कोशिका, ये महाराज यहाँ पर देखिए बिल्कुल जादू टोना यहाँ पर चल रहा है। अच्छा, माला पहनाया जा रहा है किसी को, आई डोंट नो ये क्या कर रहा है, जो भी कर रहा है। ये लगभग 1665 के बाद अगर हम लोग बात करें तो लगभग 9 साल, लगभग 9 साल के बाद जीवित कोशिका का खोज हुआ। देखिए, बाद में अधिक आवर्धक क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद कोशिकाओं की रचनाओं का विस्तार अध्ययन आसान हो गया। यानी कि रॉबर्ट हुक तो सिंपल सा माइक्रोस्कोप बनाया था, बस वो देखा कि कमरा जिसे दिख रहा है तो सेल का नाम दे दिया। कमरा के अंदर क्या है वो नहीं पता चला था उस वक्त पर, ठीक है। रॉबर्ट हुक सिर्फ कोशिका का खोज किया है, उसके अंदर क्या है क्या नहीं है, कैसे काम करता है, कुछ उनको पता नहीं था, क्योंकि उस वक्त पर माइक्रोस्कोप बिल्कुल साधारण था वो अपने हाथ से बनाया था। अगर देखिए, 1674 ईस्वी में एंटोनोन लियोन होक एक डच वैज्ञानिक था, ने स्वनिर्मित साधारण सूक्ष्मदर्शी द्वारा सेल, यानी कि सेवाल, ठीक है, सूक्ष्मदर्शी द्वारा सेवाल, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया इत्यादि में सर्वप्रथम जीवित कोशिका को देखा। गॉट इट, आप समझ रहे हैं। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका देखा, फिर लगभग 9 साल के बाद 1674 ईस्वी में एंटोनोन लियोन होक ने जीवित कोशिका देखा। जीवित कोशिका में किसका जीवित कोशिका देखा, सेवाल, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, ये सबका जीवित कोशिका देखा। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक, ठीक है। यहां पर मैं कुछ नोट्स दे दूं, जैसे कि ये वाला, जीवित कोशिका की खोज कब हुई 1674 ईस्वी में, किसने किया, एंटोनोन लियोन होक, या फिर आपको शॉर्ट में मिल जाएगा लियोन होक ने, और ये कौन वैज्ञानिक था, एक डच वैज्ञानिक था। रॉबर्ट हुक अंग्रेज वैज्ञानिक था, ये डच वैज्ञानिक है। और रॉबर्ट हुक कहां पर कोशिका देखा था, ट्री के बार्क में, ठीक है, यानी कि कॉर्क में, और बार्क मतलब कॉर्क ही होता है इंग्लिश में, देखिए। और ये कहां पर देखा, सेवाल में देखा, प्रोटोजोआ में देखा, बैक्टीरिया में देखा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि जीवित कोशिका को किसने देखा, किस में देखा, सेवाल में देखा, ठीक है, कब देखा, 1674 ईस्वी में देखा, इंपॉर्टेंट है। और ये ही है वे महाराज जो जीवित कोशिका को देखे थे। अब ये तो आप आजकल का माइक्रोस्कोप देख रहे हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, आप लोग देखे होंगे कहीं ना कहीं, कोई क्लिनिक में देखे होंगे, स्कूल में देखे होंगे, यूज भी किए होंगे। इनका माइक्रोस्कोप कुछ अलग ही है, यहाँ पर देखिए, आई होप दिख रहा है, यस, ये है माइक्रोस्कोप। सोचिए,
ये जो रोबोट हुक का माइक्रोस्कोप काफी बड़ा था और काफी दिखने में एडवांस दिख रहा है, ठीक है, बट वो एडवांस नहीं है, ये छोटा सा जो सिंपल सा है ये एडवांस है, ये ज्यादा पावरफुल है। देख लीजिए सिंपल सा है, मैं आपको इसका मैकेनिज्म भी बताने वाला हूँ। हम लोग रोबोट हुक का एक बार देख लेते हैं। ये रहा रोबोट हुक का माइक्रोस्कोप और ये रहा एंटोन वॉन का माइक्रोस्कोप। छोटा समझ के कमजोर मत समझिएगा, ये ज्यादा पावरफुल है, इसमें जीवित कोशिका दिखा गया है और इसमें ज्यादा फंक्शन भी है। देखिए ये रहा एंटोन वॉन लियेनहॉफ का माइक्रोस्कोप, ठीक है। यहां पर क्या होता है मैं आपको बताऊं, ये देखिए ये आपको इस तरीके से दिखाया गया है फ्रंट और ये दिखाया गया है इस तरीके से साइड से। आई होप आप लोग अभी समझ पाइएगा। देखिए यहां पर यस कलर चेंज कर दूं समझ में आएगा। यस यहां पर सेवाल या एंटोनोन लियोन यही महाराज है, वो देखिए बहुत हंसी आ रहा है इसको, बहुत खुश है, जीवित कोशिका देख लिया। आज भी हम लोग इसका नाम ले रहे हैं, आज से करोड़ों साल बाद भी इसका नाम लिया जाएगा एंटोनोन लियोनोक। हम भी कुछ ऐसा करेंगे, कोई नाम ले मेरा, आप लोग भी कुछ करिए ऐसा, तब ऐसा ही फोटो लगेगा, अपना भी, हमारा भी, आपका भी, मजा आएगा। यहाँ देखिए यहाँ सवाल को रख लिया वो, उसके बाद यहाँ पर एक लेंस रख दिया। लेंस छोटा चीज को बड़ा दिखाता है, बड़ा चीज को छोटा दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा लेंस का यूज किया जो छोटा चीज को बिल्कुल बड़ा सा दिखाए। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा ऐसा लेंस होता है जो छोटी चीज को बड़ा दिखाता है, ठीक है। यहाँ पर रख दिया, रखने के बाद अब इधर आंख है, यहां से वो देखा तो देख रहा है, तो ये जीवित कोशिका है, वो कुछ मूवमेंट कर रहा, हिल रहा है, डुल रहा है, इधर उधर ऐसे वैसे जा रहा है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई किसी का जुड़ा हुआ है, कोई अकेला है, किसी में मतलब फ्लैजिला है, यानी कि किसी में जिसके हाथ है, किसी का पैर है, किसी में भुआ पिल्लू जैसे बाल है, तो बहुत तरीके का वो देख लिया, ठीक है। और यहाँ पर जो इस तरीके से है ये सब एडजस्टमेंट करने के लिए है, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं घुमाने के लिए है, जो कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी आजकल रहता है, तो ये काफ़ी एडवांस है। इसका जो मेन है वो ये है लेंस, ये एडवांस था, ये बहुत ही पावरफुल था, इसलिए देख पाया एंटोनोन लियेनहॉफ जीवित कोशिका को। आई होप ये मैकेनिज्म आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ से ये ऊपर नीचे होगा, यहाँ से लेफ्ट राइट होता है, इसलिए इस तरीके से यहाँ पर हुक बनाया गया है, ठीक है। चलिए ठीक है, ये है एंटोनोन लियेनहॉफ जिन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की, कहाँ पर की, सवाल पर, बैक्टीरिया प्रोटोजोआ, याद कीजिएगा क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पर एक प्रैक्टिकल आपका बुक में दिया गया है, कोई भी कर सकता है, यहाँ पर देखिए मैं कर रहा हूँ, और टू बी फ्रैंक ये ओनियन का ही हो रहा है, ठीक है। ये मेरा पीजी समय का प्रैक्टिकल का फोटो है, ओरिजिनल फोटो है। देखिए एक प्याज लेंगे हम लोग, अभी देखने वाले हैं ओरिजिनल प्याज का कोशिका को, प्याज लेंगे, फट से काटेंगे छोटा सा टुकड़ा, उसके बाद यहाँ निकाल देंगे, इसको यहाँ से पील करेंगे, मतलब आप लोग अगर प्याज आप लोग देखे ही होंगे, कॉमन सी बात है, देखिएगा तो काटने के बाद एक बिल्कुल प्लास्टिक के जैसे, यानी कि पतला सा थीन लेयर निकलता है, प्लास्टिक जैसे नहीं बट समथिंग लाइक उसी के जैसे, यहाँ पर इसको पील किया जा रहा है, हटाया जा रहा है एक परत को, कई परत होता है इसमें, एक परत को हटाकर यहाँ पर देखिए रखा गया। अब इसको फिर हम लोग माइक्रोस्कोप में देखेंगे, माइक्रोस्कोप को एडजस्ट करेंगे अच्छी तरीके से, इसको भी एडजस्ट करने के लिए एक प्रोसीजर अपनाया जाता है, प्रोसीजर अच्छा रहेगा तो आराम से कोशिका दिख जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ मेंशन नहीं किया गया है, यहाँ पर स्टेन के लिए हम लोग अभिरंजक यूज करेंगे, ठीक है, अभिरंजक हम लोग सेफ्रेनिन यूज करेंगे, इजीली दिख जाएगा। आप लोगों का क्वेश्चन आता है कभी कभी कि एक अभिरंजक का नाम बताइए, सेफ्रेनिन आप यूज कर सकते हैं, अभी क्लास 8 में यही है, हाँ ब्लू ऑरेंज भी होता है जो यहाँ पर किया गया है, सेफ्रेनिन रेड रेडिश टाइप का रहता है, ब्लू ऑरेंज ब्लू रहता है, यहाँ पर ब्लू ऑरेंज किया गया है, इट्स ओके। तो देखिए ये है सेल जो आज हम लोग देखते हैं, ये भी है प्याज का सेल जो आज हम लोग देखते हैं, इसी तरीके से आपको दिखाई देगा। अब यहां पर मैं आपको बता दूं सेल क्या कहां है और इसका केंद्र कहां है, ये रहा, ओ भाई कब लिखा है, कहां, यहां पर ये रहा इसका एक सेल, एक
कोशिका, और यहां पर जो टिकली इसे दिख रहा है ये इसका केंद्रक है, इसका केंद्रक है, क्या है, केंद्रक, जिसको इंग्लिश में हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। ये रहा न्यूक्लियस, हर एक कोशिका में एक न्यूक्लियस आपको देखने को मिलेगा, हर एक कोशिका में, देखिए हर एक कोशिका में एक न्यूक्लियस आपको देखने को मिलेगा यहां पर। और ये जो आप देख रहे हैं एक कोशिका में दो न्यूक्लियस आ गया है, ये जब हम लोग उसको प्रोसीजर कर रहे थे, छील रहे थे, काट रहे थे, रख रहे थे, तो इधर उधर का न्यूक्लियस आ गया है, ठीक है। जनरली एक कोशिका में एक ही न्यूक्लियस होता है, दो तीन भी होता है, एक्सेप्शन है, किसी किसी में न्यूक्लियस होता ही नहीं, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, बट जनरली एक कोशिका में एक केंद्रक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहां पर देखिए, सभी सजीव असंख्य सूक्ष्म इकाइयों से बने हैं जिन्हें कोशिका कहते हैं। आप लोगों का कोशिका का डेफिनेशन भी लिखने के लिए आ सकता है, ठीक है, तो यहां पर आप डेफिनेशन इस तरीके से लिखिएगा। अब हम यह कह सकते हैं कि यह डेफिनेशन हो गया कोशिका का। कोशिका सजीवों के शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, जो स्वतंत्र रूप से जीवन की क्रियाओं को चलाने की क्षमता रखती है। ये आपका इसका डेफिनेशन है। और आपका अगर सब्जेक्टिव एग्जाम होता है कहीं पर, तो कोशिका का डेफिनेशन पूछा जाता है, तो ये आपको लिखना है, ठीक है, इसी को लिखना है। कोशिका सजीवों के शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक क्रियात्मक इकाई है, जो स्वतंत्र रूप से जीवन की क्रियाओं को चलाने की क्षमता रखती है। कोशिका विभिन्न पदार्थों का वह संगठित रूप है जो स्वतः जनन का सामर्थ्य रखती है। अतः कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। यहां पर दो क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन तो ये कि कोशिका किसे कहते हैं, यहां पर डेफिनेशन आपको मिल गया, यही लिखना है, सेम टू सेम लिखना है, ठीक है। थोड़ा सा वर्ड्स आगे पीछे आप कर सकते हैं, बट ट्राई कीजिएगा सेम लिखने का, ठीक है, वैसे रटना नहीं है, समझ कर लिखना है कि रचनात्मक क्रियात्मक इकाई है और स्वतंत्र रूप से अपना क्रिया करने में सक्षम है। अब यहां पर देखिए, कभी कभी एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीवन की मूलभूत इकाई किसको कहते हैं, कोशिका, या कोशिका को जीवन की क्या कहा जाता है, तो मूलभूत इकाई कहा जाता है, ठीक है, मूलभूत इकाई। ये वर्ड भी आपको एग्जाम में कई बार देखने को मिलता है कि कोशिका को जीवन की क्या कहा जाता है, तो मूलभूत इकाई, या जीवन की मूलभूत इकाई किसे कहा जाता है, तो कोशिका को। आई होप ये भी क्लियर हो गया है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पर दो क्वेश्चन है, ठीक है, दो क्वेश्चन आप लोगों के लिए। क्या सभी जीवों में कोशिका एक प्रकार की होती है, क्या सभी सजीवों में कोशिका सिर्फ एक प्रकार की होती है। दूसरा क्वेश्चन है, क्या मुर्गी का अंडा एकल कोशिका है या कोशिका समूह है। ठीक है, मुर्गी का अंडा बड़ा होता है, शुतुरमुर्ग और भी बड़ा होता है, तो एक ही कोशिका है, बहुत सारा कोशिका है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद ये भी बताइए कि क्या सभी सजीवों में कोशिका एक ही प्रकार का होता है या नहीं होता है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया है तो डोंट वरी, आई विल क्लियर। देखिए पहले ये हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत सारा डिजाइन दिख रहा है, यहाँ पर ईंट से बना हुआ है, और मुझे ये सब करना पहले काफ़ी पसंद था, मैं करता भी था, बट अब छोड़ दिया हूँ। तो यहाँ पर देखिए ईंट से बना है सब कुछ, अलग अलग डिजाइन है, रंगोली सा दिख रहा है, बिल्कुल शानदार सा। देखिए जिस प्रकार, आपको मैं आंसर बता रहा हूँ, जो ऊपर दो क्वेश्चन था उसका, जिस प्रकार ईंटों से विभिन्न प्रकार की आकृतियां तथा डिजाइन बनाई जा सकती है, उसी प्रकार जीवित जगत में जीव एक दूसरे से भिन्न होते हैं। जीवित जगत में जंतु या जीव एक दूसरे से भिन्न होते हैं, लेकिन 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 सभी कोशिका से बने होते हैं। ठीक, जैसे घर, सब घर जैसे अपना मन मर्जी से, कोई छोटा रूम, कोई मोटा रूम, कोई चौड़ा रूम, कोई मॉल, कोई हॉल, जो चाहे बना ले, लेकिन किसे बनता है, ईटा से ही बनता है, ईट से ही बनता है, जो कि ईट ईट है। समझ में आ गया। यहां पर देखिए, जैसे वहां पर अलग अलग डिजाइन मैंने बताया था, यहां पर अलग अलग डिजाइन ये दिख रहे हैं आपको, उसी प्रकार ये देखिए अलग अलग डिजाइन का है यहां पर। इधर देखिए ये मेफ्लाई है, बटरफ्लाई है, फ्रूट फ्लाई है, ये देखिए राइस है, इधर गाय है, इधर बनाना है, काऊ है, रोज है, गुलाब है, इधर घोड़ा है, हाथी है, पैरोट है, टर्टल है, इधर बनियान ट्री है, बहुत सारा अलग अलग यह डिजाइन है। किससे बना है, सिर्फ एक चीज से, कोशिका से। और कोशिका, अब ये तो हो गया अगला। और एक क्वेश्चन था कि क्या
सभी जीवों में एक ही प्रकार का कोशिका होता है? उसका आंसर यहां पर है, देखिए गौर से देखिएगा, कार्यों की विभिन्नता के कारण कोशिकाओं के आकार और आकृति में अंतर होता है, परंतु रचनात्मक, यहां पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, रचनात्मक, ओके, रचनात्मक, रचनात्मक, यहां पर रचनात्मक हो जाएगा, मैं ऊपर लिख देता हूं, रचनात्मक, रचनात्मक एवं विशिष्ट गुण उन सभी का समान होता है। आई होप समझ में आ गया कि कार्यों की विभिन्नता के कारण कोशिका का आकार और आकृति में अलग रहेगा, अंतर रहेगा, लेकिन उसका जो रचनात्मक है और विशिष्ट गुण है सेम रहेगा। कोशिका का गुण क्या है कि वो अपने जैसे नया सेल बना सकता है। कोशिका का गुण ये है कि उसमें न्यूक्लियस रहता है, न्यूक्लियस में हेरिडेटरी मटेरियल रहता है, जीन रहता है, ये सब गुण है उसका। रचनात्मक, उसका रचना, जैसे कोशिका में न्यूक्लियस रहेगा, बाहर में कोशिका झिल्ली रहेगा और प्लांट यानी कि पौधा है तो कोशिका भित्ति रहेगा, फिर अंदर साइटोप्लाज्म रहेगा, यानी कि साइटोप्लाज्म को हिंदी में कोशिका द्रव कहते हैं, फिर माइटोकॉन्ड्रिया ये सब रहेगा, तो रचना सेम रहता है लेकिन डिजाइन अलग रह सकता है, आकृति और आकार, कोई छोटा आकार, कोई मोटा आकार, कोई लंबा, कोई चौड़ा, कोई अलग अलग टाइप का, ठीक है, अलग अलग डिजाइन का हो सकता है। इसको भी हम लोग अभी देखने वाले हैं, आकार आकृति, कोई बिल्कुल छोटा सा तिन्नी सा आप देख भी नहीं पाइएगा, और किसी किसी कोशिका, कोई कोई कोशिका इतना बड़ा होता है आप ऐसे ही देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अब यहाँ पर, और कुछ कुछ क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन आपका बुक से है, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई एम नॉट गोइंग टू टेल द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, मैं आंसर नहीं बताने वाला, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कोशिका की खोज किसने की और कब की, ये भी बताइएगा, कहाँ की ये भी बताइएगा। अगर अभी तक इतना मेरा मेहनत अगर रंग लाई है तो आप कमेंट कीजिएगा। अगर देखिए सर्वप्रथम जीवित कोशिका को किसने देखा, मैंने बताया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कमेंट कीजिए, जीवित कोशिका को सर्वप्रथम किसने देखा, किसमें देखा, किसमें देखा यानी किस जीव में देखा और कब देखा, ये भी बताना है। आगे देखिए जीवन की मूलभूत इकाई किसे कहते हैं, ये भी कमेंट कीजिए। अगर ये तीनों आंसर आपको पता है, मतलब मेरा जो इतना मेहनत है, इतनी गर्मी लग रही है मुझे, सीरियसली ये जो इतनी मैं गर्मी झेल रहा हूँ ये धन्य हो गया मैं, ठीक है, मतलब मेरा जो मेहनत है वो बेकार नहीं जा रहा है। अगर आप ये तीनों का आंसर नहीं बता पाइएगा इसका मतलब मैं ही असक्षम हूँ आप लोगों को पढ़ाने में, आई होप, ठीक है। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा, मेरा एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं और अलग तरीके से कोशिश करूंगा, समझ में आ रहा है तो और इससे बेस्ट दूंगा, ओके, कमेंट करना मत भूलिएगा कि कैसा लग रहा है। आगे देखिए कोशिका की संरचना, आकार, प्रकार और आकृति अभी देखने वाले हैं, ठीक है, कोशिका की संरचना, आकार, आकृति, प्रकार वगैरह सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं। देखिए ये भी एक कोशिका है, ये भी एक कोशिका है, ये भी एक कोशिका है, सब में अंतर है, थोड़ा थोड़ा ही अंतर है बट अंतर है। देखिए ये आपका प्लांट का यानी कि पेड़ पौधा का कोशिका है, ये जंतु कोशिका है, मेरा कोशिका है, और ये है मान लीजिए पेड़ का कोशिका है, और इधर माइकोप्लाज्मा अलग ही कोशिका है। देखिए कोशिका विभिन्न आकारों की होती है जो 0.1 नैनोमीटर माइक्रोमीटर से 1 मीटर तक होती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है ओके, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार आया है क्वेश्चन कि कोशिका का आकार क्या होता है, तो कहीं पर आपको मिलेगा 0.1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर, या कहीं आपको मिल जाएगा 0.2 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, इस तरीके से काफी सारा ऑप्शन रहेगा, और एक ऑप्शन रहेगा 0.1 नैनोमीटर टू 1 मीटर, तो पहला यानी कि ये तीसरा, ठीक है, लेट्स चेंज द कलर, ये वाला आपका सही हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, आ चुका है, तो यहां पर 0.1 नैनोमीटर से यानी कि नैनोमीटर या माइक्रोमीटर दोनों सेम ही है, से 1 मीटर तक हो सकता है। अब देखिए अगला ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, माइकोप्लाज्मा नामक जीवाणु की कोशिका का आकार सबसे छोटा
0.1 माइक्रोमीटर होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, IMP, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे छोटी कोशिका किसका होता है? माइकोप्लाज्मा का। उसका साइज भी याद रखिएगा 0.1 माइक्रोमीटर या नैनोमीटर। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सबसे छोटे अभी तक सबसे छोटी कोशिका किसका पाया गया है? माइकोप्लाज्मा का। यहां पर देखिए माइकोप्लाज्मा, ये है माइकोप्लाज्मा, सबसे छोटा कोशिका, और इसका साइज भी पूछा जाता है 0.1 नैनोमीटर। इसको मीटर में बात करें तो 1×10⁻¹⁹ मीटर होता है। ठीक है, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1×10⁻¹⁹ मीटर, यानी कि 1 मीटर को आप इकाई दहाई सैकड़े हजार हजार लाख दस लाख करोड़ दस करोड़ 10 करोड़ बार टुकड़ा कीजिएगा, उसके बाद जो छोटा सा यूं बित्ती सा मिलेगा वो साइज है जीरो, अच्छा वो साइज है 1 नैनोमीटर का। फिर इसको भी और टुकड़ा कीजिएगा, 10 टुकड़ा और 10 टुकड़ा कीजिएगा, तब आपको मिलेगा एक माइकोप्लाज्मा का साइज, बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है, याद रखिएगा माइकोप्लाज्मा 0.1 माइक्रोमीटर, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। आगे देखिए, अब सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है जिसका लंबाई 17 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 13 सेंटीमीटर होता है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि सबसे बड़ी कोशिका किसका होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, अंडों में सबसे बड़ा अंडा शुतुरमुर्ग का होता है, तो उसी का अंडा सबसे बड़ा होता है और वही एक कोशिका है। ठीक है, जिसको हम लोग देख सकते हैं, एक कोशिका का होता है अंडा। यहाँ पर आप साइज तो देखिए, एक हथेली में उठा पे आप नहीं पाइएगा, 1 kg से 1.5 kg तक होता है, काफी बड़ा होता है। तो ये मत समझिए कि यहाँ पर लाखों करोड़ों कोशिका है, ये एक कोशिका है जिसको हम लोग अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। ब्रह्मांड का बात छोड़िए, पृथ्वी का बात कीजिए, पृथ्वी में सिर्फ मुर्गी का अंडा हो गया या बत्तख का अंडा हो गया या शुतुरमुर्ग का अंडा हो गया, ये अंडे को ही हम लोग देख सकते हैं जो एक कोशिका है। ठीक है, और सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, क्योंकि यही सबसे बड़ा अंडा होता है। कितने लोग खाए हैं ये शुतुरमुर्ग का अंडा, कमेंट कीजिएगा। देखिए, मुर्गी का अंडा एकमात्र ऐसा कोशिका है जिसे हम अपनी नग्न आंखों से देख सकते हैं, बिना माइक्रोस्कोप का देख सकते हैं, आंख खोले देख लिए हो गया। अगर देखिए, मानव शरीर के सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका यानी कि नर्व सेल होती है जो 1 मीटर से भी लंबा हो सकती है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। यहाँ पर जो भी मैंने लिखा है यूं ही नहीं लिखा है, काफी सोच समझ कर लिखा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख कर लिखा है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका पूछा जाता है कौन सा है? तंत्रिका कोशिका। इस बार टेस्ट में आ चुका है आप लोगों का। इसका साइज क्या होता है? 1 मीटर, लगभग 1 मीटर, और इससे बड़ा भी हो सकता है। देखिए, तंत्रिका कोशिका क्या है? ये हमारा सर है, यहाँ पर तंत्रिका कोशिका स्टार्ट होता है, पूरा पैर तक जाता है। मैं तो लगभग 1 मीटर का हूँ, तो 1 मीटर है, कोई कोई थोड़ा सा मुझसे बड़े होते हैं तो उनका और भी बड़ा होता है। तंत्रिका कोशिका सर से लेकर पैर तक एक ही कोशिका पूरा ऊपर से नीचे लंबा सा रहता है। ठीक है, तो काफ़ी लंबा होता है। ये देखिए तंत्रिका कोशिका, यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये काफ़ी लंबा हो सकता है, और इधर टेंटिकल यानी कि इसका अंतिम सिरा, और यहाँ पर इसका केंद्रक है, और ये कोशिकाएँ है ये। ठीक है, और इधर द्रुमिका है, तो ये तंत्रिका कोशिका है, मानव शरीर का सबसे लंबा कोशिका तंत्रिका कोशिका, और ऐसे नॉर्मल देखें तो सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा जिसको हम लोग नग्न आंखों से देख सकते हैं। तंत्रिका कोशिका को नहीं देख सकते हैं हम लोग नग्न आंखों से। ठीक है, लंबा होता है बट इतना पतला होता है कि हम लोग देख नहीं पाएंगे। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, एक क्वेश्चन है इधर, तोता एक क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि मनुष्य में कितनी कोशिकाएं होती है? चलिए तोते का जवाब दे दीजिए, बेचारा तोता कॉपी पकड़ कर खड़ा है। हाँ, अब यहाँ पर देखिए कैसा कैसा आकार का होता है कोशिका, अनेक आकृति जैसे गोलाकार, कोई गोलाकार यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये गोल गोल लड्डू, लड्डू नहीं है, ब्लड सेल है, गोल गोल ब्लड सेल, और ये ओवम गोल है, यहाँ ये फैट सेल है, ये सब गोल है। चकोर, चकोर यानी कि चार कोनिया, गाल का चार कोनिया या पंच कोनिया रहता है। ठीक है, चार यहाँ पर। फिर बहुभुजाकार, बहुभुजाकार इस तरीके से
सेल होता है, बहुभुजाकार यानी कि गाल का ही बोला जा रहा है, इस तरीके से कई भुजा में रहता है इस तरीके से। तो ये आपका हो गया बहुभुजाकार। अंडाकार, अंडाकार भी होता है, जैसे अंडा अभी हम लोग देखे शुतुरमुर्ग का अंडा, मुर्गी का अंडा, अंडाकार ही है, तो एक कोशिका ही है। अनियमित आकार, अब ये देखिए ये अलग ही दुनिया में है। अनियमित मतलब इस तरीके से भी केंद्र, ये कोशिका है, इस तरीके से भी कोशिका है, इस तरीके से भी ये भी एक कोशिका है, इस तरीके से भी हो गया, चलिए ये भी एक कोशिका है, कोई एकदम तीर के जैसा ऐसे बन गया, ये भी एक कोशिका है। ये सब क्या है, अगर हम लोग बात करें अमीबा, तो अमीबा का कोई आकार आकृति नहीं होता है, कोई पूछेगा अमीबा कैसा रहता है, बेआकार निराकार, ठीक है, कोई उसका आकार नहीं है, अपना आकार वो बदल सकता है, उसमें हड्डी वड्डी कुछ होता ही नहीं है, वो जैसा चाहे वैसे हो सकता है, और एक कोशिका है, ठीक है, तो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी जैसे चाहे हो सकता है। आप ऐसे बना लीजिए, नहीं जान रहे हैं कोशिका बनाने के लिए, यहाँ पर लिख दीजिए अमीबा, सही हो जाएगा, अमीबा है, वैसे दिखने को तो हल्का सा पैरामीशियम जैसे बन गया, बट अमीबा है, ठीक है, अमीबा हम लोग मान सकते हैं, और चप्पल के जैसा पैरामीशियम होता है, ये हो गया। और इधर देखिए, ये रक्त कोशिका है और ये ब्लड कोशिका, सेम ही तो है ये, चलिए। और यहाँ पर देखिए, ये नर्व सेल, तंत्रिका कोशिका, और ये पेशीय कोशिका, हमारा जो मसल्स है यहाँ पर, और यहाँ पर टांग में, जांग में, यहाँ पर पेशीय कोशिका है, इस तरीके से कोशिका रहता है, लंबा लंबा एकदम तेज तलवार छुरी के जैसे, चलिए। और अगला बढ़ते हैं हम लोग, अब यहाँ पर देखिए कोशिकाओं की संख्या, नंबर ऑफ सेल्स, मनुष्य का शरीर तथा दूसरे जंतु जैसे हाथी या लंबे पौधे, ये सभी अरबों खरबों कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। जब आप मिल गया तो होता महाराज यहाँ है, यहाँ अलग सवाल लेकर आ गया है, बट पिछला का सवाल मिल गया, अरबों खरबों कोशिका से मिलकर बना होता है, अरबों खरबों से भी आगे से मिलकर बना होता है, मतलब बहुत सारा कोशिका लगता है। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, पहले वैसे क्लियर मैं कर दूंगा इस वीडियो में, लेकिन पहले कमेंट करने का ट्राई कीजिएगा। देखिए, हाथी काफ़ी बड़ा है, चींटी काफ़ी छोटा है, तो आप कमेंट करके बताइए, क्या हाथी का सेल बड़ा होगा और चींटी का सेल छोटा छोटा होगा, या दोनों का बराबर होगा, या चींटी का बड़ा होगा हाथी का छोटा होगा, क्या होगा? कोशिका का साइज बताना है, ठीक है, हाथी बड़ा है तो क्या बड़ा बड़ा कोशिका होगा, चींटी छोटा है तो क्या इसका छोटा छोटा सेल होगा, छोटा छोटा कोशिका होगा, यही तोता जी का क्वेश्चन है, क्या हाथी की कोशिका बड़े तथा चींटी की कोशिका छोटे होते हैं, बताइए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं अभी बता ही दूंगा, चिंता नहीं है, डोंट वरी, मैं हूं ना, आगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा सोचिए। अब हम लोग यहां पर एक कोशिका और बहु कोशिका पढ़ लेते हैं, एकल कोशिके जीव, बहु कोशिके जीव, यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। आप लोगों को हिंदी इंग्लिश दोनों टर्म करते चलना है, क्योंकि 10 क्लास तक आप हिंदी मीडियम से हैं तो ठीक है, लेकिन 11 बार में आपको इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा, और उसके बाद फिर पूरा इंग्लिश में ही होता है, इसलिए इंग्लिश का टर्म को कम से कम याद नहीं कीजिएगा तो सुने रहिए, फायदे में रहिएगा। देखिए, एक कोशिकीय जीव वह जीव होते हैं जिनमें केवल एक कोशिका होता है, जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि हमारा शरीर अरबों खरबों कोशिका से मिलकर बना है, लेकिन दुनिया में ऐसा भी जीव है जो सिर्फ एक कोशिका से बना होता है। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं कि अंडा एक कोशिका है लेकिन मुर्गी एक कोशिका नहीं है, यानी कि शुतुरमुर्ग या मुर्गी जो भी हम लोग यूज करें, शुतुरमुर्ग का अंडा एक कोशिका है लेकिन शुतुरमुर्ग एक कोशिका नहीं है, ठीक है, अंडा डिवाइड करता है, बहुत सारा कोशिका बनता है, कोशिका बनता है अरबों खरबों, उसके बाद वहां से चूजा बाहर निकलता है। देखिए, एक कोशिकीय जीव का उदाहरण अमीबा है, पैरामीशियम है, अमीबा के बारे में मैंने बताया कि इसका कोई आकार कोई शेप नहीं होता, आप जैसे ही बनाइए बीच में केंद्रक बना दीजिए, खाद्यानी बना दीजिए, बस हो गया अमीबा। पैरामीशियम चप्पल के जैसा रहता है, ठीक है, पैरामीशियम में दो न्यूक्लियस रहता है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि किसी किसी में दो न्यूक्लियस रहता है, किसी में दो से ज़्यादा न्यूक्लियस रहता है, किसी में न्यूक्लियस में नहीं रहता है, और किसी में एक न्यूक्लियस रहता है। तो नॉर्मली रिपीट कर रहा हूँ, मेजर देखें नॉर्मली या प्रायः देखें तो एक कोशिका में एक केंद्रक रहता है, यानी कि एक न्यूक्लियस, लेकिन पैरामीशियम में दो न्यूक्लियस है, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक एकल कोशिका वाला जीव, ये सभी
आवश्यक कार्य करता है जो बहुकोशिकी के जीव करता है, यानी कि एक कोशिका वाला जीव वे सभी कार्य कर सकता है जो बहुकोशिकी के जीव कर सकता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मौज मस्ती करते हैं, ऐश करते हैं, यह वैसे ही एक कोशिका जीव भी अपना सब काम करेगा, खाएगा, पिएगा, उत्सर्जन करेगा, प्रजनन करेगा, जो खाएगा वो टट्टी निकाल देगा, सब कुछ करेगा, एक ही कोशिका में सब कर देगा, यानी कि वन मैन आर्मी के जैसे एक ही कोशिका में सब कुछ करेगा, जनन भी करेगा, खाएगा भी, पिएगा भी, घूमेगा भी, चीज़ों को पकड़ेगा भी, सांस भी लेगा, सब वही करेगा। अगर देखिए, अमीबा जैसा एक कोशिकीय जीव भोजन ग्रहण करता है, भोजन पकड़ता है, पाचन करता है, पचाता है, श्वसन करता है, सांस लेता है, छोड़ देता है, वृद्धि करता है, बड़ा होता है, और प्रजनन भी करता है। जैसे मैंने बताया, हम लोग भी सेम भी तो करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, भोजन खाते हैं, उसको पचाते हैं, सांस लेते हैं, बढ़ते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, वैसे ही अमीबा भी एक ही कोशिका में सब कुछ कर लेता है। अब यहाँ पर एक सवाल है, ठीक है, ये सवाल मैंने कहीं पर लिखा है, मिल जाएगा आगे, बट मैं अभी ये पूछ दे रहा हूँ, क्या हमारे मतलब हमारे पास बहुत सारा कोशिका है, अरबों खरबों है, और अमीबा के पास एक कोशिका है, तो क्या हम लोग ज़्यादा काम करते हैं उसकी अपेक्षा, या कम करते हैं, या दोनों बराबर करते हैं? आप लोग के लिए है, जैसे कि एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मेरे पास एक रुपया है, आपके पास अरबों खरब रुपया है, तो ज़्यादा काम कौन करेगा? कौन सी बात है, पैसे के मामले, पैसे को बीच में लाए तो जिसके पास अरबों खरब वही करेगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। एक कोशिका वो सब काम करता है जो बहुकोशिकी करता है, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं समझना है कि बहुकोशिकी है तो हम लोग ज़्यादा काम करते हैं या ज़्यादा हम लोग, हाँ एडवांस है, थोड़ा एडवांस मल्टी सेलुलर है, बहुत सारा कोशिका है तो एडवांस बेशक है, लेकिन काम के का बात करें तो देखिए एक कोशिका भी सब कर रहा है, हम लोग भी यही सब करते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ एग्जाम्पल दिया गया है आपका यूनिसेलुलर का, ठीक है, यानी कि एक कोशिका का, यूनि मतलब एक, जिसे यहाँ पर देखिए एक कोशिकीय जीव, एक यानी कि एक हो गया और इधर कोशिका यानी कि कोशिका हो गया, तो मिला देंगे तो एक कोशिका, ठीक है, एक कोशिका, ये अमीबा है और ये पैरामीशियम है, चप्पल के जैसे है, इसका एक न्यूक्लियस यहाँ पर है, एक न्यूक्लियस यहाँ पर है, छोटा छोटा दो दिख रहा है, ठीक है, मैं बचपन में समझ नहीं पाता था ये क्या है, चप्पल यहाँ पर रख दिया है, लिख दिया है पैरामीशियम, याद भी नहीं होता था, बट अब याद हो गया, आप लोग को भी याद कर लेना है। देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब बहुकोशिकीय जीव में, बहुकोशिकीय जीव में एक से अधिक कोशिकाएं होती है, जैसे हम लोग एक से अधिक कोशिकाएं हैं, यानी अरबों खरबों कोशिकाएं हैं। छोटे जीव में कोशिकाओं की संख्या कम होने से जीव की कार्य प्रणाली पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। यही चीज मैं आपको बता रहा था थोड़ी देर पहले कि एक कोशिका है या बहुकोशिका है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो वो काम करता है वो उतना ही काम करेगा, ठीक है। इसको मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि आपका क्वेश्चन आ सकता है ऐसे कि फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है, प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है, ठीक है, तो नहीं पड़ता है। देखिए छोटे जीव में कोशिकाओं की संख्या कम होने से जीव की कार्यप्रणाली, जीव की कार्यप्रणाली क्या क्या है, भोजन ग्रहण करना, खाना पचाना, श्वसन करना, प्रजनन करना, वृद्धि करना, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है एक कोशिका है या बहुकोशिका है, एक कोशिका भी वही काम करेगा, बहुकोशिकीय जीव भी वही काम करेगा, किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे यहाँ पर देखिए बहुकोशिकीय, बहु मतलब बहुत, कोशिकाएं मतलब कोशिकाएं, वैसा जीव जंतु जिसमें बहुत सारा कोशिका है उसको हम लोग बोलते हैं बहुकोशिकीय जीव। हाँ, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन था कि चींटी और हाथी की जगह में चलिए जिराफ ले लेते हैं, दोनों में साइज काफ़ी बड़ा है, तो क्या कोशिका का साइज अलग अलग रहेगा? नहीं, जो साइज चींटी का है वही साइज आपका इधर हाथी या फिर जिराफ का भी रहेगा, थोड़ा सा अंतर तो रहेगा, जैसे माइकोप्लाज्मा जो है वो बहुत छोटा होता है, बट ये सब माइकोप्लाज्मा से कंपेयर नहीं किया जा सकता है। एवरेज का बात करें तो दोनों का कोशिका बिल्कुल सेम साइज का रहेगा, गॉट इट, समझ गए, दोनों का जो कोशिका वो सेम साइज का रहेगा, इसका भी इसके बराबर रहेगा, इसका भी इसके बराबर रहेगा। अब अगला यहाँ पर देखिए, अरबों कोशिकाओं वाला एक जीव एक कोशिका के रूप में जीवन शुरू करता है, यानी कि अरबों कोशिका वाला कौन है, हम लोग हैं। जब हमारा जन्म होता है या जन्म से पहले जब हम लोग विकसित होते हैं तो एक कोशिकीय रहते हैं हम लोग, ठीक है, एक कोशिकीय रहते हैं।
और उस एक कोशिकीय का क्या नाम है, निषेचित अंडाणु। जब शुक्राणु मादा अंडाणु से निषेचित करता है, मिलता है, तब उसको हम लोग निषेचित अंडाणु कहते हैं। और ये एक कोशिकीय होता है, ठीक है, निषेचित अंडाणु एक कोशिकीय होता है। और यही डिवाइड करके एक से दो बनेगा, दो से चार बनेगा, चार से आठ बनेगा, आठ से सोलह बनेगा, सोलह से बत्तीस बनेगा, ऐसे कर करके करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों कोशिका बन जाता है और फिर हम लोग पूरा एक शरीर बन जाते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे जैसे विकास आगे बढ़ता है, निषेचित अंडा बहु निषेचित अंडा कोशिका बहुगुणित होती है, यानी कि मल्टीप्लाई होता है और कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है। जैसे यहाँ पर देखिए ये क्या है, अंडा है, एग्जाम्पल ले लूँ मैं, ये मुर्गी का अंडा है, एक कोशिकीय है। उसके बाद जब मुर्गी इसको सेकती है, यानी कि आप लोग अगर मुर्गी कभी पाले हैं या थोड़ा सा नॉलेज है तो देखिएगा कि मुर्गी उसको सेकती है कुछ दिन अंडे देने के बाद। जब मैं पहली बार मुर्गी पाला, सात आठ क्लास में था, समझ ही नहीं आ रहा था वो कर क्या रही है, मैं उसे दाना दे रहा था, उसे मार रहा था कि भग जाओ, बैठी है, शाम हो गया फिर भी नहीं उठी। फिर माँ शाम को बताई कि वो सेकती है अंडे को लगभग 21 दिन, ठीक है। तो 21 दिन जब वो सेकती है मुर्गी, तो अंडे के अंदर एक कोशिका से वो दो कोशिका होता है, दो से फिर इधर चार कोशिका होता है, ऐसे कर करके अरबों खरबों कोशिका हो जाता है। उसके बाद एक चूजा बाहर निकलता है और चूजा में अरबों खरबों कोशिका होता है, ठीक है। यहाँ पर एक कोशिका है, ये डिवाइड इस तरीके से करेगा, ये बीच में जो आप देख रहे हैं गोल सा, ये है इसका केंद्रक, केंद्रक को डिवाइड होते होते कोशिका के साथ, जितना कोशिका उतना केंद्रक, ठीक है। यहाँ पर देखिए छोटा सा अंडा है, फूट गया है, बट ये अंडा मानकर चलिए ठीक ठाक है, एक कोशिकीय है। लेकिन जब चूजा का बात करेंगे तो मल्टी सेलुलर है, बहुत कोशिका है, अरबों खरबों कोशिका है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन आया है कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन से। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये कि शरीर का सबसे छोटा इकाई क्या है, सेल, हिंदी से मैं लिख दूँ कोशिका, ठीक है। बहुत सारा कोशिका की जगह मिलकर क्या बनाएगा, टीशू, यानी कि उत्तक। तो इसको हम लोग उत्तक बोलेंगे, उत्तक, ठीक है, टीशू मतलब उत्तक। और बहुत सारा उत्तक एक जैसा उत्तक मिल जाएगा और क्या बनाएगा, ऑर्गन, ऑर्गन यानी कि अंग बनाएगा, जैसे आंख का, नाक, जीभ, पैर, टांग, पेट, ये सब ऑर्गन। और बहुत सारा ऑर्गन मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाएगा, ठीक है, एक ऑर्गन सिस्टम बनाएगा जिसको हम लोग अंग तंत्र कहते हैं, अंग तंत्र। और बहुत सारा अंग तंत्र मिलकर एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है, यानी कि एक जीव का निर्माण होता है। क्वेश्चन आपका ऐसे पूछा जाएगा, यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा, तो यहां पर आपको भरना पड़ेगा अंग तंत्र, या फिर यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा, तो अंग भरना है, यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स दे सकता है तो टिश्यू भरना है या उत्तक भरना है, ठीक है। अब यहां पर देखिए कोशिका बहुत सारा मिलकर उत्तक बन गया, बहुत सारा उत्तक मिलकर एक ऑर्गन बन गया। ऑर्गन यानी कि मानकर चलिए मैं हाथ का बात कर, या मैं चलिए दिल का बात कर, तो चलिए यहां पर दिया गया है दिल, ये दिल। अब बहुत सारा ऑर्गन मिलकर, यानी कि दिल, नव, भैन, यानी कि इसका जो ये सब सीरा वेरा सब मिलकर एक पूरा एक अंग तंत्र बनाता है, ठीक है, अंग तंत्र बनाता है, जैसे पाचन तंत्र हो गया, उत्सर्जन तंत्र हो गया, और नर्व सिस्टम हो गया, तंत्रिका तंत्र हो गया। तो ये सब बहुत सारा तंत्र मिलकर एक पूरा ऑर्गेनिज्म यानी कि एक जीव बनाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीक्वेंस, जिससे यहाँ पर हम लोग प्लांट का भी देख सकते हैं, एक सेल है, प्लांट का सेल, टिश्यू बन गया, टिश्यू से एक अंग बन गया यानी कि एक पत्ता बन गया, पत्ता से अंग तंत्र बन गया, ठीक है, अंग तंत्र से पूरा एक इधर पौधा बन गया। ये सीक्वेंस याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। नेक्स्ट देखिए कोशिका के घटक, कोशिका के घटक यानी कि कंपोनेंट ऑफ सेल। क्लास 8 में बेसिकली तीन कंपोनेंट का बात किया गया है, झिल्ली, कोशिका द्रव, केंद्रक, ठीक है। और यहाँ पर कोशिका द्रव में बहुत सारा सेल ऑर्गेनेल रहता है। इसको मैं जैसे कि पहले बता चुका हूँ कि इसको पार्ट 2 में कवर करने वाला हूँ, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा वो भी। थोड़ा सा इसको मैं समराइज कर दूँ कि एक कोशिका है तो इसका जो बाहरी घेरा है उसको हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं, और कोशिका झिल्ली से भी बाहर में एक और आवरण होता है, लेकिन सिर्फ ये पौधों में होता है, जिसको कोशिका भित्ति कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। और
बीच में केंद्रक, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था, ये एक कोशिका है, बीच में केंद्रक है, केंद्रक हो गया। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें इस एरिया का, तो ये वाला जो एरिया है इसको हम लोग कोशिका द्रव्य कहते हैं, इंग्लिश में साइटोप्लाज्म कहते हैं। और रेड वाला जो दिख रहा है ये आपका कोशिका झिल्ली है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन। और अगर मानकर चलिए ये पौधा वाला रहता है, जैसे यहाँ पर पौधा है, तो इसके बाहर और एक आवरण रहता है, और एक आवरण रहता है इस तरीके से, इसको सेल वॉल कहते हैं, इस तरीके से, ठीक है, सटा हुआ ही रहेगा सेल मेम्ब्रेन के साथ। तो ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पर मैंने PDF PPT बनाया है, आपका जो भी कॉन्सेप्ट है पूरी तरीके से मैं क्लियर कर दूंगा, इसलिए पार्ट टू देखना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको पार्ट टू का लिंक मिल जाएगा जब पार्ट टू अपलोड होगा। और पार्ट टू अपलोड होने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगा है ये वीडियो बनाने में। और डिजिटल बोर्ड पर इस तरीके का वीडियो मैं, ये मेरा फर्स्ट वीडियो ही है, ठीक है, ये PPT के तौर पर आप लोगों को एक्सप्लेन किया। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कितना समझ में आया कितना नहीं समझ में आया कमेंट करना मत भूलिएगा। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो सकेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए गुड डे।